नमस्कार दोस्तों, जया किशोरी को आज कौन नहीं जानता। बता दें कि वो भारत की चर्चित कथाकारों में से एक है जो अपने कथाओं के अलावा मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, इनकी मधुर आवाज के भी करोड़ों दीवाने हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बता दें कि जया भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित कई भक्ति गीत भी गाए हैं। ऐसे में चलिए आपको जया किशोरी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताते हैं। बताते कि जया किशोरी की वेबसाइट के अनुसार उनका जन्म साल 1995 में 13 जुलाई को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा और माता का नाम सोनिया शर्मा है। जया किशोरी 7 साल की बेहद ही कम उम्र में अध्यात्म के मार्ग से जुड़ गई थी। मुख्य रूप से जया किशोरी अपनी कथाओं के लिए जानी जाती है, जिसका उनके अनुयायियों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा और नानी बाई रोमायरा पर आधारित 350 से अधिक कथाओं का आयोजन किया है, जो इनके इष्ट देवता भगवान कृष्ण को समर्पित है। जया किशोरी का बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई में डूब जाना इसलिए आसान हो गया क्योंकि वो पारंपरिक धार्मिक विश्वासों से जुड़े परिवार में पैदा हुई थी। यानी कि बचपन से ही उन्होंने भक्ति का माहौल अपने परिवार में देखा था। जया किशोरी के दादा दादी ने उनके आध्यात्मिक मार्ग को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भगवान कृष्ण की कई कहानियां उनसे रिलेटेड थी और उन्होंने बचपन से ही भजनों को पूरी तरह याद कर लिया था। बात करें जया किशोरी की शादी की, तो उन्होंने अभी शादी नहीं की है। हालांकि मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे सामान्य युवतियों की तरह ही है और समय आने पर शादी भी करेगी। वहीं जया किशोरी के पिता ने भी कई इंटरव्यू में उनकी शादी की बात कही है। ऐसा कहा जाता है कि जया किशोरी को शुरुआती शिक्षा देने वाले गुरु गोविंद राम मिश्र ने इन्हें किशोर जी की उपाधि आशीर्वाद के रूप में दी थी। जानकारी के अनुसार जया किशोरी अपनी कथाओं से आने वाली दान की राशि को नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को दान करती है। कथाओं से मिले दान से विकलांगों की मदद की जाती है। ये ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए स्कूल और खाने पीने का ध्यान भी रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जया किशोरी के भजन पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।